आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम बेसिक पैसिव एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को शो किए थे, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। तो अभी हम रेक्टिफायर टॉपिक ले रहा हूँ मैं, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज में हमें ये पढ़ना रहता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कमांड लेने में और हेल्प उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पहले रेक्टिफायर को एक आउटलाइन देने की कोशिश की है कि रेक्टिफायर एक्चुअली में है क्या, क्योंकि काफी लोग को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि रेक्टिफायर, कन्वर्टर्स, ये काफी बहुत सिमिलर नेम्स होते हैं और ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि रेक्टिफायर एक्चुअली में काम कैसे करता है और कितने इसके क्लासिफिकेशन होते हैं और हम कितने चीजों को हमको डील करना है, क्योंकि आपको इसमें वेवफॉर्म्स पे पूरी कमांड होनी चाहिए और प्लस नेटवर्क केवियर केसियर आपका पूरा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप जाके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने टिप पे कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिफायर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बनाया एसी सोर्स और ये पल्सेटिंग डीसी में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो एसी सप्लाई को जो 50 हर्ट्ज इंडिया में हमारे रहता है या आप अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में देख सकते हैं 60 हर्ट्ज सप्लाई होता है, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज सप्लाई हम दे रहे हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा अरेंजमेंट है स्विचेस का जो इसे पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। पल्सेटिंग डीसी मतलब ये इसमें रिपल्स होते हैं लेकिन ये प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं होता है, इसमें हमें कुछ ना कुछ रिपल्स मिलेंगे और ये कॉन्टिन्यूस डीसी नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन भी किया है, जैसे आप देख सकते हो कि थ्री सिंगल फेज और थ्री फेज। आई होप यू हैव ऑल क्लियर व्यू। यहाँ पे लोड्स जो है, हम जो लोड्स को यहाँ पे लगाएंगे वो कितने तरीके के हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया है। पहला होगा आपका आर लोड, दूसरा होगा आर एल लोड, तीसरा होगा आर एल आर ई लोड। यहाँ पे हम एक डीसी सप्लाई देखें लेकिन इसका सिग्निफिकेंस एसी सोर्स पे जो हम लगा रहे हैं अपनी मेन सप्लाई फ्रिक्वेंसी उस पर क्या इसका इफेक्ट होगा वो भी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे होगा आर एल ई लोड, यहाँ पे इन्वर्टर का भी हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। यहाँ पे आके आपका एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है इंडक्टर का, जो मैंने पहले बताया था आपको पिछले वीडियो में कि एल डी आई वाई डी टी वाले कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे आके आपको काफी ज्यादा उसको अप्लाई करना होगा और उसके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। फिर आर एल ई विद फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोड इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका काफी ज्यादा यूज होता है काफी सर्किट्स में। कह सकते हैं कि आर ई लोड भी एक इंपॉर्टेंट लोड है। आप जितने भी लोड में आप इंडक्टर या कैपेसिटेंस ये सब देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद थ्री फेज लोड, थ्री फेज में थ्री फेज सिक्स थ्री पल्स होते हैं और थ्री फेज सिक्स पल्स होते हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है सर्किटरी लेकिन हम इसे बाद में डील करेंगे।